Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. लेवल है इसको ब्रेक कर पाता है कि नहीं। ऊपर में अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है 1820। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो पे हम लोग और एक स्टॉक जो है एनालिसिस करने वाले हैं। इस स्टॉक को काफी टाइम से मैं रडार पे रखा हूं, तो इस पे मुझे एक अच्छा प्राइजेक्शन देखने को मिल रहा है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। तो चैनल पे अगर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं धन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप धन पे ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हो, आप हमारे लिंक के थ्रू ओपन कर सकते हो, उसके बाद आप हमारा प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए स्टॉक डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक का नाम है बजाज कंज्यूमर केयर। इस स्टॉक को मैंने डेली टाइम फ्रेम पे ओपन करके रखा है। इसको पहले सबसे पहले मंथली पे समझते हैं, मंथली पे हो क्या रहा है। देखिए मंथली पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे प्राइस आया, उसके बाद ये एक रेंज फॉर्म किया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यूसली ये यहाँ पे हिट किया। इस ट्रेंड लाइन को हिट करने के बाद प्राइस डाउन आया, अभी वापस इस ट्रेंड लाइन को हिट करने के बाद अभी प्राइस जो है यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया है। बट अगर आप देखोगे इसको डेली में, और पिक्चर हमें क्लियर देखने को मिल रहा है कि हमें प्रॉपर इस सपोर्ट से एक अच्छा खासा ऊपर की साइड हमें मूवमेंट देखने को मिला। अभी अगर आप देखोगे इस लेवल पे बिना हिट किए ही प्राइस नीचे आ रहा है, बट अगर आप इस लेवल को देखोगे, यहाँ से एक रेजिस्टेंस बन रहा था यहाँ पे। अगर मैं इस लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो इस पॉइंट पे, यहाँ पे भी एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। बट मैं ज़्यादा लाइन को ड्रॉ करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, इसको हटा देते हैं और यहाँ पे प्राइजेक्शन समझने का कोशिश करते हैं। देखिए अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये जो तीन लेवल मैंने जो ड्रॉ किया है, तीन लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पे देख रहे हो कि बहुत अच्छे से यहाँ पे प्राइजेक्शन काम कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे एक बार के लिए प्राइज ने रोका, फिर इसको ब्रेक किया, इस लेवल को हिट किया, फिर डाउन आया, इस लेवल पर सपोर्ट लिया। मैं आपको एक बार के लिए वापस से यहाँ पर जूम कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ से अप। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे जब पहली बार यहाँ पे आया, इस लेवल को ये ब्रेक करने का कोशिश किया, हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज हमें देखने को मिला इस लेवल पे, फाइनली इसको ब्रेक कर दिया। और ये जो सपोर्ट था इसको भी जो है यहाँ पे देख सकते हो, ऑलरेडी ये टेस्टेड है, यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद फाइनली जो यहाँ पे एक न्यू सपोर्ट बनाया था यहाँ पे एक बार के लिए रिएक्शन हमें देखने को मिला ऊपर के साइड। अगर आप फाइनली देखोगे यहाँ पे ये जो ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से प्राइस ऊपर गया, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि प्राइजेक्शन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। ये जो लाइन मैंने प्लॉट किया है यहाँ पे भी काम कर रहा है, यहाँ पे भी काम कर रहा है और आगे भी यहाँ पे भी काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे जैसे ही प्राइस हिट किया यहाँ पे येलो लाइन पे, यहाँ पे देखिए पहला वाला जो है यहाँ पे हिट किया, उसके बाद प्राइस यहाँ से डाउन, उसके बाद जो यहाँ से एक बाइंग प्रेशर क्रिएट हुआ, यहाँ से सभी लेवल को ब्रेक करते हुए अभी प्राइस ऊपर गया। बट अभी अगर आप देखोगे इसका करेंट मार्केट प्राइस पे किस तरीके से पिक्चर बन रहा है, देखिए आज हमें यहाँ पे जो है प्राइस ऊपर जाने को देखने को मिला। बट अगर आप देखोगे ये जो एक बार के लिए कैंडल इतना तक बन गया था, बट अगेन यहाँ पे इतना सेलिंग प्रेशर था, इसको इस तरीके का जो है कैंडल बना दिया और फाइनली जो है मार्केट ने क्लोजिंग कर दिया। बट अगर अभी इसका हम डिटेली प्रोजेक्शन देखें कि क्या चल रहा है, देखिए अगर मैं इसका वेट करूंगा तो एक नीचे लेवल का वेट करूंगा, करेंट मार्केट प्राइस पे मैं कुछ भी इसको प्लान नहीं करने वाला हूं। ये जो सपोर्ट लेवल आप देख सकते हो, यहां पे भी एक प्लान किया जा सकता है, यहां पे भी एक प्लान किया जा सकता है। बट मैं सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये जो व्यू है मेरा पर्सनल व्यू है, आप अगर इसमें कुछ भी ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग प्लान कर रहे हो तो आप अपने तरफ से एक बार रिसर्च जो है कर ले अच्छे से। अगर आपको नहीं आता तो आप से भी रजिस्टर्ड जो है रिसर्च एनालिस्ट का भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको एग्जैक्ट लेवल चाहिए तो आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि मैं आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशन पर्पज़ के लिए ही वहाँ पर सारी चीज़ें शेयर करता हूँ। यहाँ पर मैं कोई भी बाय या सेल रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, अब प्राइजेक्शन यहाँ पे इस तरीके का फॉर्म हुआ है। भले ही आज यहाँ पे अच्छा मूव आया हो, बट हम लोग एक इसको वेट करेंगे नीचे लेवल का। जैसे ही प्राइस यहाँ से नीचे आएगा तो हम लोग यहाँ पे कहीं पे प्लान करेंगे, उसके बाद जो है अगर इस सपोर्ट को भी ब्रेक करता है ना तो मैं नीचे वाले लेवल को भी प्लान करूँगा। बट अगेन थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे प्राइजेक्शन देखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये था बजाज कंज्यूमर केयर, और भी बाकी स्टॉक था बट वो हमें अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल चुका है। बट क्या हुआ कि थोड़ा टाइम का इशू की वजह से मैं आपको टाइमली शेयर नहीं कर पाया। तो आप इसको जो है फॉलो कीजिएगा जो भी मैंने प्राइजेक्शन डिस्कस किया, और ये हमारा जो है
टेलीग्राम चैनल है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जिसमें कि मैं आपको प्राइस वगैरह जो है अभी भी हम लोग का कोटक बैंक ट्रेड में बना हुआ है, तो हम लोग को देखना ये है कि जो है हम लोग को टारगेट देखने को मिल रहा है कि नहीं। ऑलरेडी टारगेट वन तो हिट कर चुका है, उसमें टारगेट टू का वेट कर रहा था और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि टारगेट टू भी हमें जल्दी देखने को मिल जाएगा, टारगेट थ्री भी देखने को मिल जाएगा। बट अभी मैं किसी को यहाँ पे कंसिडर नहीं करूँगा कि आप यहाँ पे एंट्री प्लान करो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एनालिसिस था, और भी बहुत सारे स्टॉक अगर आप देखना चाहते हो सकता है कि मैं वीडियो ना बना पाऊँ, बट मैं ऑलरेडी इसका जो पोस्ट है ट्विटर पे डालता हूँ, आप हमें ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और जैसे कि अगर आप देखोगे अभी बाकी सारे स्टॉक एक बार के लिए हम लोग जो है कोटक बैंक भी देख लेते हैं। कोटक बैंक में आज हमें थोड़ा सा यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला, अगर आप यहाँ पे देखोगे, मैं इसको एक बार के लिए हटा रहा हूँ, यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा सेलिंग देखने को मिला। अभी देखना ये है कि ये जो लेवल है इसको ब्रेक कर पाता है कि नहीं। ऊपर में अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है 1828 के आसपास, बट आज हमें यहाँ पे थोड़ा सा रेड देखने को मिला। अभी देखना ये है कि ये एक कुछ इस तरीके का जो है डब्ल्यू पैटर्न भी लोग फॉलो करते, मैं आपको यहाँ पे बना के भी दिखा रहा हूँ। जैसे कि प्राइस यहाँ से एक बार के लिए डाउन आया, डाउन आने के बाद देखिए यहाँ से उसके बाद यहाँ पे, और ये कुछ इस तरीके का डब्लू पैटर्न वगैरह भी यहाँ पे फॉलो किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इसको किस तरीके से काम में ले रहे हो। तो ये डब्लू पैटर्न भी यहाँ पे फॉलो होने जा रहा है, बट हालांकि यहाँ पे ये जो मूव है हमें कितना अच्छा देखने को मिलेगा ये तो मार्केट के ऊपर डिपेंड है। हम लोगों ने पहले ही एंट्री ले रखा था, तो अभी बस हमें यहाँ पे अपना जो ट्रेड है उसको ट्रेल करना है। और बाकी जो मैंने शेयर किया था, ब्रिटानिया भी मैंने शेयर किया था आप लोगों के साथ, अगर आपने देखा हो तो। ब्रिटानिया अगर आप देखोगे काफ़ी टाइम से ये साइडवेज बन रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको भी मैंने आपको वॉचलिस्ट पे ऐड करने के लिए कहा था। और यहाँ पे अगर आप देखोगे आज के टाइम पे थोड़ा सा हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिला, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे ना थोड़ा सा यहाँ पे ये जो साइडवेज है उसके बाद ये जो अच्छा सा एक मूव हमें थोड़ा सा जो है बाइंग देखने को मिला यहाँ से, ये जो लेवल है इसके थोड़ा सा ऊपर हमें जो है कैंडल ऊपर कैंडल थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ था। यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो लेवल है ना, ये जो 4455 का जो लेवल है यहाँ से हमें गैप अप देखने को मिला, उसके बाद सेलिंग क्रिएट हुआ, मतलब कहीं ना कहीं इसको बायर ऊपर लेने का कोशिश कर रहे हैं। बट अगेन मैं इसका वेट करूँगा, इसका जो है ये लेवल को ब्रेक कर दे तो मैं इसमें कुछ प्लान करूँगा। वैसे ही भी मैंने जो है सिटी यूनियन बैंक आपको मैंने कहा था, ये हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पे ओपन करके रखा है, और यहाँ पे देख सकते हो इसके ऊपर फाइनली जो है क्लोजिंग दे दिया। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा प्राइस एक्शन बनते हुए यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है CUB। और अपोलो टायर्स जो है लास्ट स्टॉक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अपोलो टायर्स मैं काफ़ी टाइम से आप लोगों के साथ शेयर करते आ रहा हूँ, और ये फाइनली आज जो है बैक टू बैक यहाँ पे देखिए एक बार के लिए बाइंग हुआ फिर सेलिंग हुआ, तो इस तरीके का आप देख सकते हो डोजी कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। स्टिल अभी जो है यहाँ पे ट्रेड बनने का कोशिश कर रहा है, तो मैं यहाँ से एक ब्रेकआउट का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जैसे कि अगर आप देखोगे पहले कुछ इस तरीके का डायग्राम था, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है। अभी अगर आप देखोगे अभी इस तरीके का डायग्राम बन रहा है कुछ यहाँ पे ऐसे, तो देखिए फाइनली हो क्या रहा है, पहले ये वाले ट्रेंड लाइन को तो एक बार कोशिश किया ब्रेकआउट करने का, उसके बाद ये पर्टिकुलरली रेंज यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेंज बनने का कोशिश किया, अभी जो है प्राइस ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस की बात करें, मुझे यहाँ पे कुछ भी रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ से एक अच्छा मूव आएगा तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दे सकता है। तो अगेन आपको यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से फॉलो करके यहाँ पे ट्रेड प्लान करना है, उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ दूसरी चीज़ें सोचिएगा। बट यहाँ पे अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करोगे तो यहाँ पे हो सकता है आपका जो भी क्वांटिटी है उसके हिसाब से आपको बहुत ही अच्छा लॉस हो सकता है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक है आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर आपको कुछ भी हमारे कंसल्टेंसी सर्विसेज लेना है आपको डिस्क्रिप्शन पे सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। तो मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।